गाजीपुर पुलिस ने दो हीरोइन तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से 1,20,00,000 की हीरोइन बरामद। शाजियाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफपुर से तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से 70,000 नकद, 2 गाड़ियां भी बरामद। जी हां, खबर है गाजीपुर से, जहां पुलिस ने हीरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए तस्करों से 1,20,00,000 की हीरोइन बरामद की है। बरामद हीरोइन 1 किलो 20 ग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,20,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करों को शाजियाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफपुर से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों पर गैंगस्टर समेत मतदाता पदार्थों की तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने तस्करों के पास से 70,000 रुपये नकद और 2 गाड़ियां भी बरामद की हैं। हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम तथा थाना शाजियाबाद की टीम ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। रात ये लोग चेकिंग कर रहे थे तो इन्हें सूचना मिली थी कि एक बिहार का बड़ा ड्रग तस्कर है जो यहाँ डिलीवरी देने के लिए आ रहा है। इस सूचना पे इन दोनों लोगों को शाजियाबाद क्षेत्र में इंटरसेप्ट किया गया, वहाँ इनकी गिरफ्तारी की गई। जब इनकी गाड़ियों की और इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास भारी मात्रा में हेरोइन, करीब 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन दोनों के पास से बरामद हुई है। 70,000 रुपये जो इसके लेन देन में इनका चल रहा था उसके, और इनके दोनों की गाड़ियां जिसे ये दोनों इस्तेमाल करते थे स्मगलिंग में, ये बिहार से लेके आया था रामजी नाम का व्यक्ति, और दोनों पूर्व में भी NDPS में और विभिन्न अपराधों में अलग अलग थानों से जेल जा चुके हैं। वर्तमान में फिर इनके द्वारा यही क्रियाकलाप अपनाए जा रहे थे तो आज इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है तथा इन पर और गंभीर कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट वगैरह बाद में की जाएगी। सर, जिस तरह से इसने प्रेस का रोक लगाकर या प्रेस लगाकर जिस छद्म कार्य कर रहा था, तो ये कितने समय से ये कार्य कर रहा है? नहीं, इसमें से एक व्यक्ति जो अपराधी है सुभाष यादव, इसकी गाड़ी पे भी एक प्रेस का, पूर्वांचल प्रेस का स्टिकर लगा हुआ है तथा इसके पास उसका कार्ड भी है। इस पे भी गहनता से जांच चल रही है। इसकी आड़ में ये इसका दुरुपयोग कर रहा था प्रेस का, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। और इसका भी जो इसके द्वारा कृत किया गया है इसका भी संज्ञान लिया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बरामदगी हुई है इसकी कीमत लगभग 1,20,00,000 रुपए के करीब है। सर, इस कामयाबी पे क्या पुलिस की कोई? पुलिस का काम है ये, पुलिस हमारी अच्छा काम कर रही है और हम उसे आवश्यकता अनुसार पुरस्कृत करते रहते हैं और इसमें भी इन्हें निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। इस गैंग का अब तक पता चल रहा है? नहीं, अभी ये दोनों अपना ये जो रामजी नाम का व्यक्ति था जो बिहार का निवासी है, ये यहाँ पे डिलीवरी लेके आया था। ये सुभाष यादव यहाँ डोमेस्टिक उसमें सप्लाई करता था। इसमें कुछ और लोग भी रडार पे हैं जिन्हें ये सप्लाई करता था, पूर्व में भी आपको विदित होगा।